उड़नी है, पेंट का पैसा जो है और लेबर चार्ज है वो अलग से है, ब्लैक पेंट यहाँ पे हुआ हुआ है। और दूसरी चीज़ है यहाँ पे जो बोल्ट नीचे ग्राउंडिंग किए गए हैं या नीचे कंक्रीट का जो सब तामझाम बना है। दोस्तों, क्या आप भी अपने घर के लिए, खेत खलिहान के लिए या किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पे आप प्रोफाइल शीट का शेड लगवाना चाहते हैं, वो भी हट की तरह दिखने वाला झोपड़ी नुमा शेड, तो आज इस वीडियो के माध्यम से इसी बारे में बात करेंगे। क्या बना, कैसे बना प्रोफाइल शीट का झोपड़ी नुमा शेड, झोपड़ी नुमा शेड बनाने में किस किस मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी आपको और टोटल कितना खर्चा होगा, अगर आप खुद बना रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके काम की है, अगर आप ये किसी कारीगर भाई से बनवा रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके मतलब की है। तो दोस्तों, मेरा नाम है मौली सिंह, आप देख रहे हैं SS फाइबर ग्लास एंड फैब्रिकेशन वर्क्स। आज इस वीडियो के माध्यम से हम कंप्लीट डिटेल से बात करेंगे प्रोफाइल शीट का हट टाइप शेड, झोपड़ी नुमा शेड कैसे और कितने रुपए में बनता है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। आ जा भाई, आगे आ जा, तो खुद के आ जा अगले पास। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इस शेड का साइज बता देता हूँ। इसका साइज है दोस्तों, जहाँ पे मैं ये वाला साइज जो है, ये वाला चौड़ाई है दोस्तों 20 फीट और लंबाई, शेड की लंबाई 40 फीट है, 20x40 पूरे शेड का साइज है दोस्तों। एक ना तू हैंग हो जाना एक जगह पे, एड्डा बड़ा ड्रामा है कुम। दोस्तों, इस शेड का साइज 20 फीट बाई 40 फीट लंबाई है, आप देख सकते हैं अंदर से। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.5x1.5 फीट की प्लेट लगी हुई है, 6 सूत मोटी, और इसमें 1 इंच मतलब कि 25mm के बोल्ट लगे हुए हैं जो कि नीचे कंक्रीट में दबे हुए हैं। ये पोल है दोस्तों, 4 इंच पाइप का पोल है, और ऐसे ही यहाँ पे 6 पोल लगे हुए हैं। यहाँ से ये पोल तक 20 फीट की दूरी है, और यहाँ से जो ये नेक्स्ट पोल है यहाँ तक 20 फीट की दूरी है, और ऊपर जो आप दिखाई दे रहा आपको H जो बना हुआ है, ये इसका आपस में गैप 1 फीट का है दोस्तों। इसमें 10-10 इंच के 1 इंच स्क्वायर पाइप के टुकड़े लगे हुए हैं। नीचे का जो पोल है ये 4 इंच स्क्वायर पाइप के पोल लगे हुए हैं दोस्तों, और ऊपर का ढांचा पूरा 1 इंच पाइप से बना हुआ है। वैसे तो मैं आपको सलाह दूंगा, अगर आप ये बनवाएं तो इसमें 1 इंच पाइप की बजाय 1.5 की स्क्वायर पाइप लगा दें, चाहे पाइप 11 किलो की हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और ऊपर से अभी मुझे लगता है काम अभी चल ही रहा है, कारीगर अभी छुट्टी पे गए हुए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। अभी ऊपर का जो टापे ऊपर से शीट लगनी बाकी है, क्योंकि आप देख सकते हैं ऊपर से अभी होल दिखाई दे रहे हैं, तो अभी कंप्लीट शीट अभी क्लियर नहीं हुई है, ऊपर से जगह बाकी है, बची हुई है, तो इसमें ऊपर से टापे और स्क्रू लगने बाकी है। तो दोस्तों, ये सारा ऊपर का ढांचा जो है 1 इंच स्क्वायर पाइप से बना हुआ है। अगर ये 1.5 की पाइप से भी बने और बीच के जो टुकड़े हैं ये 1 इंच पाइप के लग जाएं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो बीच में आप टुकड़े देख रहे हैं, ये जो टुकड़े देख रहे हैं बीच में, ये सारे टुकड़े 1 इंच पाइप के लग सकते हैं। दोस्तों, मेरे ऊपर ये वाली पाइप आप देख रहे हैं 1.5-3 की पाइप है, तो ये तो 1.5-3 की यहाँ पे लगानी ज़रूरी है, और बाकी जितना भी पाइप आप देख पा रहे हैं ऊपर के पाइप को छोड़ के, लेकिन ऊपर का पाइप भी 1.5-1.5 का कर दिया जाए, कंप्लीट पाइप 1.5-1.5 का कर दिया जाए, जिसमें कि बीच वाला जो ये 10-10 इंच के जो टुकड़े लगे हुए हैं ये 1 इंच स्क्वायर के लगे रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी सारा पाइप 1.5-1.5 का होना चाहिए दोस्तों। और इसके ऊपर एक शीट जो है, प्रोफाइल शीट जिसको हम बोलते हैं, वो एक नए डिज़ाइन की लगी हुई है, इसको बोलते हैं कपरेल वाली शीट, इसका फुल नेम तो मुझे पता नहीं है, SR की शीट है ये, तो इसको हम तो बोलते हैं अपनी देसी भाषा में कपरेल वाली शीट, और लाल रंग की शीट है, नीचे से वाइट है, बहुत ही अच्छी दिख रही है देखने में। तो दोस्तों, साइज मैंने आपको इसका बता दिया, और बीच में से
टोटल जो बीच का सेंटर है इसका, यहाँ से ये 4 फीट ऊंचाई ऊपर की तरफ उठा हुआ है। तो इसकी हम अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 20x40 इसका साइज है दोस्तों, 800 स्क्वायर फीट टोटल साइज हुआ, 800 स्क्वायर फीट टोटल साइज हुआ इस शेड का। 120 रुपये स्क्वायर फीट इसका प्राइस है दोस्तों, 120 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से 96,000 रुपये का ये बना है, 96,000 रुपीज़ का ये टोटल शेड बना है दोस्तों, जिसमें कि ये जो पोल ग्राउटिंग किए गए हैं इनका ये तो है ही नहीं, इतने यदा फायदा ही नहीं, ये नहीं दिखाना, हाँ वो दिखाना है, वापस वापस, हाँ 96,000 में एक दो चीज़ें हैं, एक तो पेंट इंक्लूड नहीं है, पेंट का पैसा जो है और लेबर चार्ज है वो अलग से है, ब्लैक पेंट यहाँ पे हुआ हुआ है, और दूसरी चीज़ है यहाँ पे जो बोल्ट नीचे ग्राउंडिंग किए गए हैं या नीचे कंक्रीट का जो सब तामझाम बना है वो सब राजमिस्त्री का जो काम है वो अलग से है दोस्तों। लगभग पेंट करके ग्राउटिंग करके सारा लगभग 4,000 रुपये उसका खर्चा आ सकता है, तो कुल मिला के 1,00,000 रुपये में 20x40 का एक बहुत ही सुंदर अच्छा खासा झोपड़ी नुमा प्रोफाइल शीट का आगे आ जा प्रोफाइल शीट का शेड लॉन्ग लाइफ, जिसमें कि आपको आने वाले समय में कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, और समय के अनुसार कल को आप ये शेड को चेंज करना चाहें, एक जगह से हटा के दूसरी जगह पे लगवाना चाहें, तो वो भी कारीगर की लेबर की कॉस्ट पड़ेगी आपको, अदरवाइज़ ये शीट जल्दी से ख़राब होने वाली नहीं है, 20-25 साल बड़े आसानी से निकल सकते हैं इससे। कुल मिला के उधर सूरज आ जाएगा फिर हैं, इत्थे आके फिर है वापस घूमेंगा, इत्थे आके फिर है वापस घूमना पैना, तेन सूरज आ जाएगा है ना। कुल मिला के दोस्तों ये शेड 1,00,000 रुपये में बनेगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, मैं हर रविवार YouTube पे रात को 9 बजे लाइव आता हूँ आपके सवालों के जवाब देने के लिए। तो दोस्तों आप मुझे Instagram पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी Instagram ID molisingh1986 है। आज का ये हट टाइप झोंपड़ी नुमा शेड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मेरा नाम है मोली सिंह, आपने बहुत सारे शेड फाइबर के प्रोफाइल शीट के आज तक देखे होंगे, लेकिन ये एक यूनिक प्रोजेक्ट है जो कि हम रास्ते पर जा रहे थे, हमने देखा यहाँ पर, तो मैंने इसका गलत है नहीं बड़ी गलत शुरू तो ही ड्रामा रचा गया ना।